हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है यानी कि पीएनबी में है तो आप पीएनबी का मोबाइल बैंकिंग ऐप जरूर इस्तेमाल करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप किस तरह से किसी को भी बिना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, साथ ही बिना यूपीआई आईडी के पैसा ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो में हम बताने वाला हूं कि आप अपना एमएमआईडी कैसे पता करते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है ये होता है एमएमआईडी और मोबाइल नंबर के जरिए। तो हम एमएमआईडी के थ्रू पैसा किसी को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अपना एमएमआईडी कैसे पता करते हैं, वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पीएनबी वन ऐप खोल लेना है। चलिए हम पीएनबी वन ऐप जो कि मोबाइल बैंकिंग ऐप है इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसमें लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए जस्ट वन ऐप पीएनबी है, इसको क्लिक कर लेते हैं और इसमें हमने फिंगरप्रिंट के द्वारा लॉगिन कर लेते हैं। आपका एम पिन से लॉगिन करते हैं तो एम पिन से लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम लॉगिन हो जाते हैं। देखिए हम पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन है। मोबाइल नंबर के थ्रू पैसा भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसफ़र पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्विक ट्रांसफ़र, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंटर अमाउंट है, अब जितना रुपये आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है एमएमआईडी, तो आपको यहाँ पर एमएमआईडी में आप क्या फिलअप करेंगे, जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनसे आप एमएमआईडी ले सकते हैं, उनका एमएमआईडी आपको पता होना चाहिए। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका एमएमआईडी क्या है और यहाँ पर इसको फिलअप कर देंगे। मोबाइल नंबर में वह मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे जिसको भी आप पैसा सेंड कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। साथ ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, जिस भी अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अकाउंट के साथ यह लिंक होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर रिमार्क है, रिमार्क में डिपॉजिट लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पर पहले फिलअप करके दिखा देते हैं। यहाँ अमाउंट है, हम यहाँ पर 10 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पर एमएमआईडी है, तो हम जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका एमएमआईडी यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर हमने एमएमआईडी फिलअप कर दिया। यहाँ पर उसके बाद मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर फिलअप कर देते हैं, जिसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर, साथ ही वह मोबाइल नंबर बैंक के साथ लिंक होना ज़रूरी है। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद है रिमार्क, रिमार्क में आप लिख लीजिए डिपॉजिट। यहाँ पर हमने सारा कुछ फिलअप कर दिया है, इसके बाद क्या करें, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह से नजर आएगा, जिसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका एमएमआईडी और उसका मोबाइल नंबर और यहाँ पर अमाउंट, कितना रुपये आपने ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगा जा रहा है। अब आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र कन्फर्म योर ट्रांसफ़र, यहाँ पर ट्रांसफ़र कन्फर्म करने के लिए आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपना फिलअप कर दीजिए। चलिए हम फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है सक्सेस, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चुका है और हमने जो 10 रुपये ट्रांसफ़र किया है इस मोबाइल नंबर पर वो चला गया होगा। यहाँ पर और यहाँ पर आपको मैसेज भी मिल जाएगा कि आपके अकाउंट से जो डेबिट हुआ है वह आपको मैसेज मिल चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर, तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर बिना अकाउंट नंबर के, बिना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के, साथ ही बिना यूपीआई आईडी को किसी, बिना यूपीआई आईडी के ही किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसान तरीके से। यहाँ पर सिर्फ आप मोबाइल नंबर और एमएमआईडी के थ्रू किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि अपना एमएमआईडी कैसे निकालते हैं, अपना एमएमआईडी कैसे पता करते हैं, जिससे कि आप किसी को भी शेयर करेंगे अपना मोबाइल नंबर और एमएमआईडी तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर आपको ना तो यूपीआई आईडी शेयर करने की ज़रूरत है और ना ही अकाउंट नंबर शेयर करने की ज़रूरत है। चलिए हम बैक चलते हैं। यहाँ पर अपना एमएमआईडी पता करने के लिए आपको सर्विस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में ही आपको दिख जाएगा
अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक और MMID, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए व्यू जनरेट MMID है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए व्यू रजिस्टर्ड है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और यहाँ पर देखिए MMID आपको दिख रहा होगा, ये आपका MMID है। आप किसी से भी पैसा शेयर, किसी से भी पैसा ले सकते हैं यहाँ मोबाइल नंबर और MMID शेयर करके। यहाँ पर ना तो अकाउंट नंबर आपको देना है और ना ही UPI ID देना है, आप सिर्फ मोबाइल नंबर और ये जो MMID आपको दिया गया है, इस MMID के थ्रू किसी से भी पैसा आसान तरीका से ले सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों मैंने आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। जाते जाते बस लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।